फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं नॉलेज का हूँ। पहला मैंने ये मछली धो लिया। ये मछली जो है हमारा मणिपुरी में जो बोलता है, मैते लोन में बोलता है कि कंदला। किसी किसी का बोलता है ngapai, जो आप लोगों का हिंदी में क्या बोलता है मुझे तो पता नहीं है। ये कंदला मछली है ऐसे भी बोलता है हमारे उधर में। तो मैंने अच्छी तरह धो लिया, जो ये कल लाया था मैं धो नहीं पाया था, बच्चे बीमार था इसीलिए मैंने फ्रिज में रखा, और इसके बाद आज धो लिया, पूरा फ्रेश की फ्रेश है। मगर धोने के बाद जो है हल्दी हल्दी जो है हल्दी और नमक मिला के मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ कि जैसे कि मसाला जो है मतलब एक थोड़े एक साथ में रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, ठीक है। हंसना मन में पूरा सिंपल हूँ, मैं सिंपल से ही बोलूँगी, जो मुझे आता है मैं उसी तरह का बोलूँगी। मैं थोड़ा वो मतलब बना के अति अच्छा है ये वही है वैसे बना के नहीं बोलूँगी, जो जैसे कि नॉर्मल मैं बोलती हूँ उसी तरह का बोलूँगी। तो क्या हुआ ब्लॉग है तो क्या हुआ, मुझे थोड़ा बुर आता है उसी तरह के बोलूँगी मैं। तो ये मिला मतलब मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करने के बाद जो है मैं तेल में फ्राई करूँगी। तो देखते जो मैंने ये गरम कर दिया, वो खाना बनाने वाला जो क्या बोलता है उसमें गरम कर लिया पैन, हम लोग बोलता है इसको खांग बोलता है, ठीक है। इसको गरम कर लिया मेरा वो बना खाना बना मतलब सब्जी बनाने वाला ये वाला सुंदर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं ज़्यादा ही ज़्यादा उनको धो नहीं पाती हूँ, मतलब धोती हूँ मगर इसको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, तो इसलिए मैं सुंदर नहीं है ये, सिर्फ एक ही है। मैं इसको काम चलाती हूँ, एक से ही काम चलाती हूँ। पहले तेल को ज़्यादा गर्म कर लिया, मैं रिफाइंड तेल यूज़ करती हूँ, रिफाइंड तेल डाल दिया, उसके बाद मछली थोड़ा थोड़ा साइड करके डाल दिया। मैं ज़्यादा तेल भी डाल सकता है मगर तेल ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि फ्राई करने के बाद जो तेल जो रह जाता है वो टेस्टी नहीं होता है, तो क्या करेगी वो ज़्यादा डाल के। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत देख के लिमिट देख के मछली के लिमिट देख के मैंने डाल दिया है। तो ये मेरे बेटिया रानी है, उनको थोड़ा बहुत जुकाम बुखार हो रहा है, नाक में बंद हो रहा है, नाक को मतलब सांस लेने में हम लोगों को भी होता है, उनको तो बोल नहीं पाता, कितना मुश्किल हो रहा होगा। इसकी वजह से वो पापा ड्यूटी से लौट गया था, मैं अभी तक खाना नहीं बनाया क्योंकि उनकी वजह से मैं खाना नहीं बना पाया। वो बोलती है मेरे पास रहने के लिए, तो मैं अकेला हूँ इधर, किसके किसके साथ छोड़ के मैं खाना बनाऊँगी, कपड़ा धो लूँगी, कम से कम थोड़ा बहुत करके मैंने बर्तन धो लिया। बेबी बीमार होती है तो माँ को बहुत परेशानी होती है, तो आप लोग पहले वो जानता होगा जो माँ है, माँ सच में मेरी मम्मी लोग बोलती है कि पहले पहले आप लोगों को ऐसे तीन बहना है मेरा तो कितना मुश्किल से पाला है, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह मैं मुझे भी समझ में आ गया माँ क्या होता है, मतलब जैसे कि बच्चे होने के बाद जो पापा तो ड्यूटी से लौट के ऐसे बहुत प्यार कर रहा है मगर बेबी जो है उनका आँख में उंगली डालता है क्या करता है पता नहीं, आंसू आंसू जैसा आ रहा था उसकी वजह से, उसकी बात भी हो रहा था, जो साइड में वो मछली भी वो हो गया था बात कर करके। तो ये मछली जो है एक साइड पक गया था, वो तो उल्टा करना पड़ेगा एक साइड, जैसे कि हाँ धीरे धीरे करके तेल गर्म नहीं होता है तो ये मछली चिपक जाता है, ठीक है। उसी तरह ये मछली जो है धीरे धीरे करके मैंने पका लिया, एक साइड पक लिया, जो दूसरे साइड है वो भी पक जाएगा, ऐसे ऐसे करके मैं सबको मछली ये जो मछली है सब मछली में फ्राई कर दूँगी, ठीक है। ये कंदला मछली है, जो मैं मछली कैसे बनाऊँगी सबको दिखाऊँगी। सो मैं एक टमाटर काट लिया, एक प्याज काट लिया, जो ये पता देख रहा है ना, इस पता का नाम है हम लोग जन्म बोलता है। सो हमारा कसार में हमारा मैते लोन में जन्म भी बोलता है, और किसी किसी का मतलब मणिपुर में नाकुपी बोलता है, मणिपुर के लोगों नाकुपी बोलता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ये मेरा बेटी है और मेरा बेटिया रानी, इसका नाम जो है मंगालेवी। सो माय नेम इज़ सैफेवी चेनू एंड इट्स माय डॉटर मंगालेवी। सो एवरीवन वेलकम बैक। सो आज मैं हिंदी में ब्लॉगिंग करने वाला हूँ पहली बार, माई फर्स्ट माई फर्स्ट
हिंदी ब्लॉगिंग होने वाला हूँ, सो आई डिसाइडेड टू ब्लॉग इन हिंदी लैंग्वेज. सो एवरीवन प्लीज वॉच टिल द एंड. एंड मेरा जो सब्सक्राइबर है, मतलब नन मणिपुरी लोगों का, मतलब नन मणिपुरी है, सो आप लोगों को समझ में नहीं आता है. पहले भी कमेंट किया था कुछ लोग ने, जैसे कि दीदी आप हिंदी में कभी कभी बनाया करो ब्लॉगिंग, जो है हम लोगों को समझ में नहीं आते. उसी तरह का प्रॉब्लम जो है हमारा उधर का भी. इधर जो मैं रहती हूँ अभी दिल्ली पे, फिलहाल मैं घर पे नहीं रहती हूँ, अभी मैं दिल्ली पे हूँ. और मतलब इधर का सब्सक्राइबर लोगों ने भी बोला, मेरा नाम जो है, मेरा निक नेम जो है जया है. जया आप कभी कभी हिंदी में भी बनाया करो, जैसे कि हम लोग आपका लैंग्वेज जो है समझ में नहीं आता है. तो मतलब देखने का तो बहुत मन है, देख लेता है, और मगर समझ में नहीं आता है. इसीलिए मैं आप सभी के लिए, मतलब हिंदी में बोलेगा तो आप लोग सब समझ जाएगा. इसीलिए मतलब आप भी देखने के बाद समझ में आएगी हिंदी में बोलेंगे तो. इसीलिए मैं हिंदी में ही ब्लॉगिंग करने वाला हूँ. मेरे हिंदी अच्छा नहीं है. मैं नॉरिस कप हूँ, हमारा उधर हिंदी ज़्यादा नहीं बोलता है. जो मैं कसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं असम स्टेट से, जो हमारा उधर जब से मतलब थोड़ा बहुत हिंदी नहीं चलता है. आजकल तो हिंदी बहुत बोलने लगा है, मगर हिंदी ज़्यादा नहीं बोलता है, ठीक है. इसीलिए मैं भी हिंदी में थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ. बोल के सीख जाएगा, कोई बात नहीं. ऐसे बात नहीं है कि मुझे नहीं आते, मुझे आते हैं, मगर थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन और थोड़ा बहुत बोलने में थोड़ा बहुत तकलीफ होता है. इसीलिए तो ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग. शुरू करते इस ब्लॉग को. ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रो करना चाहती हूँ, ये मेरा बेटी है. मेरा शादी के 4 साल के बाद ये मेरा बेटिया रानी हुई है. इस साल 2022 इज़ माई लकी ईयर. सो नो 2021 इज़ माई लकी ईयर. लकी ईयर इन दिस ईयर, मतलब जो पहले लास्ट ईयर में प्रेगनेंट हुआ, तो इस साल में ये डिलीवरी हुआ है. सो अभी ये 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का कंप्लीट हो गया. इसका बाल देखो ना, बहुत सुंदर है, मगर बाल नहीं है इसका, क्योंकि वो इस पापा ने तक क्लू कर दिया ना. हमारा कुछ नियम होता है, जैसे कि वो मतलब करने के बाद, जो पैदा होने के बाद 11 तारीख, मतलब 11 दिन में वो होता है, मतलब तक क्लू कर देता है. उसका भी ब्लॉग मैंने डाल दिया है प्रीवियस वीडियो में, जाके देख लेना आप लोग, चेक इट आउट कर लेना. सो तो आजकल इनका सीजन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा जुकाम बुखार हो रहा है उनका. देखो तेल ही तेल लगा के, पापा ने तेल बहुत ज़्यादा लगा दिया. सरसों का तेल जो है, जो ओरिजिनल सरसों का तेल मंगा के, मतलब डाल दिया नाक इधर सब, मतलब जैसे कि उनका सांस लेने में तकलीफ हो रहा है. इसकी वजह से मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा हूँ टाइम से, क्योंकि वो इधर ही ऐसे ही रहे, ऐसे ही मतलब रहने का मन है. मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का मन है. अकेला सोती है तो रोती है, इधर कोई लोग भी नहीं है, मैं किसके साथ सो रूँगी. वो तो ठीक है, मैं मछली बनाने जा रहा हूँ. कल मेरे हस्बैंड ने लाया था वो मछली जो है, मैंने आज धो लिया, फ्राई भी हो गया, बट बनाने का किताब ही नहीं मिल रहा है. मैं ठीक है, मैं बना के दिखाती हूँ कैसे हमारा मणिपुरी लोग कैसे बना के खाती है, उसी तरह के स्टाइल में. तो ठीक है, वीडियो बने रहे और एंड तक जरूर देखना. तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं. फर्स्ट में मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया. पहले जो गरम किया था, जो फ्राई किया था, मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि बेबी रो रहा था ना, इसकी वजह से मैंने बंद कर लिया और दोबारा गरम कर लिया. उसके बाद मैंने वो जन्म पता है, तेल गरम होने के बाद जीरा जो है वो जीरा डाल दिया. उसके बाद मैंने जन्म पता डाल दिया, थोड़ा बहुत पकने दो. उसके बाद थोड़ा पकने के बाद मैं आलू टमाटर जो मैंने काट के रखा था वॉश करके ये भी डाल दिया, और ये थोड़ा पकने दो. ये भी साथ में पकने के बाद थोड़ा पानी डालूँगी. अभी थोड़ा पकने दो इसको. उसके बाद मैंने थोड़ा पकने के बाद हल्दी और जीरा पाउडर डाल दिया. जो हल्दी जो है ये तो दुकान का हल्दी है, और जीरा पाउडर मैंने खुद ग्राइंडर में किसके बनाया है, जो मतलब बाज़ार से जीरा ला के. तो ये जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया मैंने, और ये इसके बाद
मैंने पानी थोड़ा गरम गरम मतलब गरम कर लिया था मैंने पानी डालने के लिए, जो मैंने गरम पानी जो है मैंने इधर थोड़ा डाल दिया, उसके बाद थोड़ा बॉयल होने दो और आलू थोड़ा पक जाएगा और टमाटर भी थोड़ा पक जाएगा। मसाला डाल के ना बिना पानी डाल के मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चा है ना वो, उसकी वजह से क्या बोलूँ जो मसाला जल जाता है तो हाकिंग हाकिंग करता है ना, हमारा तो हावा बोलता है, हावा हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो बिना मतलब सिर्फ थोड़ा पानी डाल के फ्राई किया, उसके बाद ये आलू भी पक गया ना, आलू भी पक गया और ये मछली जो मैंने पहले फ्राई किया था वो मछली जो कितना पकाऊंगी पीस के हिसाब से ले लिया, सिर्फ हम दोनों ही तो है, ज़्यादा पीस नहीं लिया। और ये थोड़ा बहुत मसाले के मसाला के साथ फ्राई करूंगी ये फिश के अंदर थोड़ी मसाला थोड़ा जाने के लिए। उसके बाद आलू भी देखो, आलू भी कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट हो गया, देखो कितना पक गया। और ये जो है मैंने ये धनिया जो है मैंने पानी में डाल के रखा था थोड़ा 20 मिनट, जैसे कि मेडिसिन वगैरह जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बोझ आने के लिए, क्या करूँ इस्तेमाल तो वो लोग करता है, हम लोग तो खाना पड़ता है क्या करेगी। इसके लिए मैं थोड़ा बहुत वॉश कर लिया, अच्छी तरह वॉश करने के बाद जो मैंने धनिया बहुत छोटा छोटा पीस पीस करके काट रहा हूँ, मैं इसी तरह काटती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करती हूँ, लेफ्ट हैंड से ही काट रही हूँ। जो मैं बना रहा हूँ ये सब्जी बहुत सिंपल से बना रहा हूँ, किसी का लहसुन प्याज डालने का बहुत मन करता है तो डाल सकता है, हम लोगों का ये प्याज और लहसुन खाने का मन नहीं है, इसीलिए मैंने वो ये चना पत्ता डाल के सब्जी को खाया हूँ। और ये गर्म पानी जो है मैंने गर्म करके रखा हुआ, वो गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी डालने के बाद जल्दी बॉयल होता है और जल्दी पक जाता है, और गैस ना बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाता है ना, गैस भी थोड़ा थोड़ा करके वो हो जाए। इसके बाद मैंने नमक डाल दिया, उसके बाद उसी की मतलब लिमिट से हिसाब से, और ये पाउडर जो है ये मिर्ची पाउडर है, दुकान का पाउडर नहीं है, मैंने खुद ये पिसा हुआ हूँ घर पर, और मिर्ची तो बाज़ार से ला के और ग्राइंडर में पिस के मैंने बनाया हुआ हूँ, इसीलिए ज़्यादा सुंदर तो नहीं होगा ये कलर, क्योंकि घर से बनाया हुआ है ये तो ज़्यादा पाउडर भी नहीं डाल सकता है, इसीलिए मैंने ऐसे करके बनाया। और एक साइड में बेबी रो रहा है क्योंकि वो मतलब सो गया था ना वो, इसलिए वो मतलब इसकी वजह से वो रो रहा है, इसकी वजह से मैंने धीरे धीरे आग करके उसकी वजह से पका लिया, मतलब बन गया ये सब्ज़ी, बन गया, आलू भी पक गया और टमाटर भी पक गया, और इसी तरह मैंने सब्ज़ी बना दिया। और इसके बाद मैंने छोटा छोटा करके जो धनिया काटा था वो डाल दिया, वाह खुशबू बढ़िया आ रहा है, खाने के बाद मैं बोलती हूँ टेस्टी है या नहीं है। ठंडा हो गया ये सब्ज़ी जो है, चलो मैं खा के बताती हूँ कैसे टेस्टी है या नहीं है। जो ये मछली है एक पीस लेती हूँ इधर, और इधर ये मेरा चावल है, और ये आलू पीस, और ये करी थोड़ा लेती हूँ, और ये चावल से भी नहीं होगा मेरे लिए तो मैं दोबारा लेना पड़ेगा, और ये खा के बताती हूँ आप लोगों को। पहले मैं मछली को दिखाती हूँ, ये जो मछली है बहुत सारा कटा है नत्रो मरू से है ने मरू से कटा है नत्रो क्या है मरू से कोई बेर कटा चलो है बेर कटा अच्छी और बहुत सारा खाता कटा है बेर कटा है देखो ये सब निकाल निकाल के खाना पड़ेगा बहुत ध्यान से राइट ना मैं आएगी मरु कटा है ना तिंगंग अरे ने कटा है तो ही ना से जो ये बेर कटा मतलब पता नहीं ये क्या होता है मुझे तो मेरे हस्बैंड का बात विश्वास नहीं हो रहा है ये जो मछली है ये काटा सो है ये ऐसे ऐसे निकाल के खाना पड़ेगा ठीक है। हम लोगों को तो आदत है कोई बात नहीं, जो लोग नहीं खाता है उन लोगों को तो बहुत ध्यान से खाना पड़ता है। चलो मैं दिखाती हूँ, पहले मछली खा लिया जो निकलता है ना ये ऐसे ही करके उस साइड पे ऐसे ही करके रख दो, और ये मैं ऐसे करके पता नहीं नमक सही होगा या नहीं होगा ये खा के बताती हूँ। चलो ठीक है फ्रंट कैमरा करती हूँ। चलो मैं खाती हूँ ये क्या कराई हो ये और चावल भी मुलायम हो गया और चावल थोड़ा थोड़ा गर्म है और थोड़ा सब्जी तो ठंडा हो गया
मुलायम आई थोक ले हमने ये ना वो डिस्टर्ब करता है मेरे को मुनु भी रो रहा है देखो ठीक है टेस्टी तो बहुत हो गया बढ़िया लगा मेरा सब्जी जो मैंने खुद बनाया और खुद खाया बहुत टेस्टी लगा और ठीक है आज के लिए ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलेगी बाय बाय।